श्री राधे कृष्ण आप सभी साथियों को कामिका एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जानेंगे इस पोस्ट में सावन में कामिका एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पूजा का शुभ समय और पारण का समय के साथ ही जानेंगे व्रत की विधि और इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। कामिका एकादशी का व्रत सावन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। कामिका एकादशी का व्रत इस साल 31 जुलाई 2024 को मनाया जाएगा। सावन माह में पड़ने वाली एकादशी तिथि की कई विशेषताएं होती हैं। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु हर मनोकामना पूरी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को जीवन में किए गए समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती है। आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं कामिका एकादशी के व्रत की तिथि के साथ इस व्रत से जुड़ी अन्य बातें सबसे पहले जानते हैं। कामिका एकादशी का व्रत का क्या महत्व है, ये व्रत इतना महत्वपूर्ण किस लिए है? इस एकादशी का महत्व अनेक धर्म ग्रंथों में बताया गया है। इस एकादशी का महत्व भीष्म पिता ने नारद जी को बताया था और कहा था कि योगी व्यक्ति कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे गंगा स्नान के फल से भी अधिक पुण्य मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि जो भी व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करता है उसके सभी दुख और पाप मिट जाते हैं, उसे जीवन के अंत में मोक्ष मिलता है। जो भी व्यक्ति केवल कामिका एकादशी की व्रत कथा को सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत में विष्णु भगवान की पूजा करने से उतना ही फल मिलता है जितना काशी या पुष्कर में स्नान करने से मिलता है। जो भी इस व्रत को करता है वह कुयोनि में नहीं जाता है। यदि आप इस व्रत की पूजा के समय विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं तो आपके सारे पाप मिट जाएंगे। इसके साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। और मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करने से और इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से न सिर्फ भगवान विष्णु बल्कि पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सभी बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोई बात परेशान कर रही हो उन्हें कामिका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में कभी भी आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है। व्यक्ति के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ये था कामिका एकादशी व्रत का महत्व। और अब जानते हैं सावन में कामिका एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी शुभ तिथि और डेट जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई को शाम को 4:44 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 31 जुलाई को दोपहर में 3:55 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर सावन की पहली एकादशी 31 जुलाई दिन बुधवार को है। और आप जानते हैं इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त कामिका एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातःकाल 4:18 से लेकर के प्रातःकाल के 5 तक है। ये समय स्नान के लिए उत्तम माना जाता है। व्रत वाले दिन सूर्योदय 5:42 पर सुबह होगा। उसके बाद से आप कामिका एकादशी की पूजा कर सकते हैं।
क्योंकि पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहेगा। और अब जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग। इस साल की कामका एकादशी सर्वार्थ सिद्धि योग में पड़ रही है। पूरे दिन ये शुभ योग बना रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं, ऐसी धार्मिक मान्यता है। उस दिन ध्रुव योग प्रातःकाल से लेकर दोपहर के 2:14 तक है। और व्रत वाले दिन रूड़ी नक्षत्र सुबह 10:12 तक है, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ है। ये थे कामिका एकादशी के दिन बनने वाले शुभ योग। और अब नोट कर ली कामिका एकादशी व्रत धारण का समय। जो लोग 31 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत रखेंगे वे पारण 1 अगस्त गुरुवार के दिन करेंगे। पारण का समय सुबह 5:43 से लेकर सुबह के 8:24 के बीच है। इस समय में आप कभी भी पारण करके व्रत को पूरा कर सकते हैं। और 1 अगस्त को द्वादशी तिथि का समापन दोपहर में 3:28 पर होगा। तो ये था पारण का शुभ समय और द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय। और अब जानते हैं कामिका एकादशी की व्रत विधि क्या है, किस प्रकार से इस दिन व्रत करना चाहिए। इसके लिए 31 जुलाई बुधवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद हाथ में जल और चावल लेकर व्रत का संकल्प लें। जैसा व्रत करना चाहे वैसा ही संकल्प लेना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें चावल के रूप में भगवान विष्णु की पूजा में हमेशा तिल का इस्तेमाल किया जाता है, चावल का उपयोग ना करें। और फिर शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की प्रतिमा घर में किसी साफ स्थान पर एक चौकी के ऊपर स्थापित करें और प्रतिमा पर तिलक लगाएं, चौकी पर दीपक धूप बत्ती जलाएं। साथ ही इसके बाद भगवान को अबीर गुलाल इत्र चावल जौ तथा फूल व अन्य चीजें एक एक करके चढ़ाते रहें। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें और चावल के रूप में तिल अर्पित करें। पूजा के बाद मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, उसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखें और अंत में आरती उतारें और प्रसाद बांटें। संकल्प के अनुसार फलाहार खा सकते हैं। जैसा भी आपने व्रत का संकल्प लिया हो उस तरह से आप फलाहार करें और जितना संभव हो उतना कम बोलें। मन ही मन भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। रात को सोए नहीं और भगवान की प्रतिमा के पास बैठकर भजन कीर्तन करते रहें। और अगली सुबह यानी कि 1 अगस्त को गुरुवार की सुबह पुनः एक बार पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। इससे आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। इस विधि से कामिका एकादशी का व्रत करें। और अब जानते हैं कामिका एकादशी व्रत की पूजा के समय कौन से शुभ कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए। इसके लिए इस तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे मिलाकर नहाएं और इसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। फिर एकादशी व्रत पूजा और दान का संकल्प लें। इसके बाद पीपल पर जल चढ़ाएं और घी का दीपक लगाएं और पेड़ की परिक्रमा करें। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पहले घी का दीपक लगाएं। फिर शंख में पहले शुद्ध पानी भरकर भगवान का अभिषेक करें, फिर दूध और पंचामृत से दोबारा अभिषेक करें और बाद में शुद्ध पानी से भगवान को नहलाएं और भगवान का श्रृंगार करें। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को चंदन अक्षत गुलाब और परिजात के फूल चढ़ाएं, साथ में मंजरी सहित तुलसी पत्र चढ़ाएं और अबीर गुलाल और इत्र सहित पूजन सामग्री अर्पित करें। साथ में मौसमी फल हलवा या किसी भी मिठाई का नैवेद्य लगाकर आरती करें और प्रसाद बांटें। तो ये शुभ कार्य एकादशी की पूजा करते समय जरूर करें। और आप जानते हैं
इस दिन ऐसी कौन सी तुलसी से जुड़ी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। काम का एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ी ये गलतियां ना करें, इससे काफ़ी नुकसान होता है। इस दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में भूल से भी एकादशी तिथि पर तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। और साथ ही कान का एकादशी पर इन बातों का ध्यान रखें, अन्यथा माता लक्ष्मी दुष्ट हो सकती हैं। एकादशी तिथि पर तुलसी के आसपास सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इस बात का भी खास ख्याल रखें कि तुलसी के आसपास जूते, चप्पल या फिर कूड़ेदान आदि नहीं रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो सकती हैं, जिस कारण आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की गंदगी तुलसी के आसपास नहीं होनी चाहिए और इस दिन ये गलती भी ना करें। एकादशी के दिन तुलसी को गंदे या फिर जूठे हाथों से ना छूएं। स्नान करने के बाद ही तुलसी का स्पर्श करें। इसके बाद शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी मंत्रों का जाप करें, लेकिन इस दौरान काले कपड़े ना पहनें, वरना इससे नकारात्मकता लगती है। तो काले कपड़े ना पहनें और इन बातों का ध्यान रखने के साथ साथ इन कामों से भगवान विष्णु जी की कृपा मिलेगी। भगवान विष्णु का भोग बिना तुलसी के अधूरा माना जाता है। ऐसे में एकादशी तिथि पर विष्णु जी को भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। इससे साधक को तुलसी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है और एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। तो ये वो कार्य थे जो एकादशी पर तुलसी से जुड़े हुए हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को काम का एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसी सही गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय परेशानी होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ भी सही से नहीं आ पाती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा साथ और सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।